तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे होंगे आप सब लोग? ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सीएससी के अंदर जो डीजीपे 2 लाइट का जो ऑप्शन है वो आ गया। पहले डीजीपे ओनली 1 था, अभी डीजीपे लाइट का जो दूसरा वर्जन कर दिया गया। तो उसको सेकंड वर्जन में कैसे हम लॉग इन करें, जितने भी सीएससी वीएलई थे उनके सभी में ये अलाउ कर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करें, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, लिंक आपको डीजीपे लाइट का आपको मिल जाएगा जो उसका जो 2 वर्जन है उसका। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जहाँ पे जो फर्स्ट आप सीएससी जो लाइट को लॉगिन करते थे वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे उसको लॉगिन कर लेना है, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करो यहाँ पे लोडिंग लेगा, आप जो आपका ब्राउजर है यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, जहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। तो चलिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, इसका इंटरफेस आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह का इसका इंटरफेस होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फिर से इसको रिफ्रेश कर लेंगे ताकि हमारा जो भी पहले डीजीपे लाइट में जो बैलेंस वगैरह था तो वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से रिफ्रेश पे क्लिक किया, जो सेकंड वॉलेट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीएससी टेक्नोलॉजी का क्या आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है। ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डीएमटी का हो गया, एपीएस का हो गया, एम माइक्रो एटीएम का हो गया, इस तरह का आपको सभी ट्रांजेक्शन के यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे अकाउंट नहीं चल रहा क्योंकि सभी की आईडी है जो डीजीपे लाइव 2 पे मैप की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड आता है, उसके बाद सर्विसेज पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मनी ट्रांसफर हो गया, यूटिलिटी एपीएस हो गया, आधार पे हो गया, माइक्रो एटीएम हो गया। तो हम यहाँ पे जो एपीएस वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए चूज ऑफ डिवाइस, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिवाइस देखने को मिलती है। आप इसके अंदर जो भी आपकी डिवाइस है, आप यहाँ पे कनेक्शन डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिवाइस लगा होगा पीसी में या लैपटॉप में वो यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो नाम होगा L0 होगा, L1 होगा, जो भी वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे देखिए मोर्फो L0 यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बन के आ गया। उसके बाद ट्रांजेक्शन ऑफ रिपोर्ट पे हम जाएंगे तो आप सभी की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हो, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन करते हो वॉलेट टॉपअप, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो, रिपोर्ट दे सकते हो। वॉलेट कैश आउट का भी ऑप्शन मिलता है, जो आपके पेमेंट है जो जैसे यहाँ पे वॉलेट 2 में जो मेरा पेमेंट है 10,000 कुछ का, ये आप अगर अपने अकाउंट में लेना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और इस तरह का यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है, यहाँ पे KYC अप्रूव रहता है दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे अभी तक डीजीपे लाइट नहीं मिला है तो आप अपना मेल चेक कीजिए, यहाँ पे आके आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के चेक लीजिए। तो ये था कि डीजीपे लाइट 2 वर्जन का। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो दोस्तों पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगले वीडियो में आपको बताने वाले डीजीपे जो अपना था जो उसका भी डीजीपे का वेब वर्जन आ गया, तो उसको कैसे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे एक अलग भी ऑप्शन है दोस्तों, अपन फिंगर के थ्रू अपन वहाँ पे विड्रॉल भी अमाउंट कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।